हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरया। हाय गाइस, दिस इज फ्रैंकली साक्षी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजेदार। आई होप गाइस आप सब के घर की भी गणेश चतुर्थी बहुत ही मजेदार, ढोल धमाके से मोदक बन रहे होंगे, गणेश जी आ रहे होंगे, इतनी ज्यादा मजेदार तरीके से बन रही होगी, क्यों खुशी? हाँ, अपन तो है ना, मतलब अपन ने तो घर में बनाए, पर बाहर से लाने का भी एक अलग ही मजा होता है। सच में, और घर पे बनाने का वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वो भी सही है। वैसे मैं भी आप सबकी गणेश चतुर्थी जाने के लिए एक्साइटेड हूँ, तो आप जल्दी से कमेंट में बता दो कि आप सबने क्या क्या किया उस दिन पे, और आप सब भी मेरी और खुशी और मम्मी पापा गणेश चतुर्थी देखने के लिए भी एक्साइटेड हो ना, ये देखने के लिए एक्साइटेड हो। ये तो गले का है ना, गले की माला बहुत सुंदर है, सही बता, ऐसे हाथ करके दिखा कैसी लग रही गाइस, कमेंट में जरूर बताना। गणेश जी के ऊपर सुंदर लगेगी ना ये माला, और नहीं भी लगती है तो अभी उनके पहनने के बाद मिट्टी भी सोना बन जाती है कि नहीं? फिर ये बताइए किसकी माला है? ये होगी हाथ की। क्या? हाथ की। गलत, ये मूषक राजा की है। वो कौन पहनेंगे? मूषक राजा पहनेंगे ना, अपने खड़े हैंगे ना, तो उनकी इतनी छोटी आ जाएगी। मैंने नाप के बनाई है प्रॉपर। ओके, बहुत सुंदर है फिर, मतलब गणेश जी और मूषक राजा बहुत सुंदर लगने वाले हैं। यार मेरी एक चीज बहुत फेमस है यार। क्या? व्हाइट और गोल्डन थीम। बात तो सही है। वैसे आप सबको पता होगा गाइस, मैं और वैसे आप सबको पता होगा गाइस कि मैं और खुशी क्रिएटिविटी में ज्यादा विश्वास रखते हैं। वो बात अलग है कि अपन है नहीं। नहीं मतलब है नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं बनने की। नहीं, घर पर ही कुछ ऐसा बनाएंगे जो कि दिखने में भी सुंदर लगे और दिखने में भी सुंदर लगे। गाइस आज मेरे साथ धोखा हो रहा है। मेरे साथ नहीं, तेरे साथ नहीं, मेरे साथ धोखा हो रहा है। कैसे हो रहा है? तेरा तो आ गया, मेरा नहीं आया। वैसे मुझे हंसी तो आ रही है, पर थोड़ी सी कंट्रोल करना भी बनता है गाइस, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। उस टाइम पर नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो किसको कितना बुरा लग सकता है, वो खुशी के फेस पर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमने दो पार्सल ऑर्डर किए थे जिसमें से खुशी ये वाला मेरा है और दूसरा वाला जो आया नहीं है वो किसी और का है। तो गाइस हमने दो पार्सल ऑर्डर किए थे जिसमें से मेरा आ गया और खुशी का नहीं आया। उसका 9 तारीख को आने वाला है। फुल स्लीव्स मेरा था और हाफ स्लीव्स खुशी का था, जिसमें मेरा आ चुका है गाइस, खुशी का नहीं आया है। तो वो और उसका पार्सल 9 तारीख को आएगा। और स्टार्टिंग में पता है अपन दोनों का ही 6-7 को बता रहा था, मेरा लेट हुआ ये पार्सल। कोई बात नहीं, रिलैक्स, कोई बात नहीं, मैं तेरा पहलूंगी। हाँ तू पहले ना। अरे खुशी कॉल आया था अभी? अरे नहीं यार, पार्सल तो 9 सितंबर को आ रहा है। तो फिर ये कॉल किसका है? मुझे लगा कि अननोन पर्सन का कॉल है, तो पार्सल वाले अंकल का हो सकता है। देख जरा नीचे खड़े क्या। वैसे तो मम्मी को गर्वे के आते रहते हैं ना, वो गर्वे की जो बात करती रहती है ना, तो उनसे फोन लगवा देती है गलती से आ जाए तो। वैसे गाइस आप सबने बताया नहीं कि मैं थोड़ी स्लिम हो रही हूँ, और हो रही हूँ तो मैं कितनी स्लिम हुई हूँ, और ये वाला गेटअप मुझ पे कैसा लग रहा है? तेरी जॉलाइन आने लगी तो कैसे लग रहा है? थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही, और थोड़ी सी बची हुई है तो थोड़ी थोड़ी तो आने लगी ना। हाँ थोड़ी आने लगी। और गाइस आप लोग ऐसे कमेंट मत किया करो कि 6 महीने में वेट लूज होगा, 7 महीने में वेट लूज होगा, मेरा दिल टूट जाता है। क्यों 6 महीने तक शक्कर नहीं खाओगी इसीलिए? हाँ शक्कर छोड़ो गाइस, तली हुई चीज, पिज्जा, बर्गर और कचौड़ी, मोमोज, समोसे लुट गया। और गाइस मम्मी एक दिन कचौड़ी लेकर आई, मेरा इतना ज्यादा दिल कर रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन इतना ज्यादा मन कर रहा था उसको खाने का, पर मैंने नहीं खाई और अपने आप पर कंट्रोल किया। आप सबने तो देखा ही होगा ब्लॉग में मैंने डाला था, एक्सरसाइज करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल होता है कंट्रोल करना। खुशी अपनी जमान पे वो वाला सॉन्ग चढ़ रहा है, वो गा के बताओ। भाई मुझे कौन सा बता, तुझे नहीं पता? नहीं अभी सुबह आ रही थी, पर मैं दिमाग से निकल गया। मन मन की बहका भी मेरा मनी रहा बुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। वाह 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 खुशी वाह, मैं अच्छा गाती हूँ यार, क्यों नहीं मानती है ये बात को? गाइस से पूछेंगे, गाइस आपके कमेंट जितने आएंगे खुशी के लिए मैं मान जाऊंगी कि चलो ठीक है। और जितने कमेंट आएंगे उतने ही बार एक दिन में तुझे सुनना पड़ेगा मेरे मुँह का गाना। ये अत्याचार है। तू इस मन का
दास ना बन इस मन को अपना दास बना ले। तो गाइस ये बाल मेरे इतनी ज्यादा मुंह पे चढ़ गया है, जब भी मेरा भी कुछ भी काम करने का मन नहीं करता कुछ भी, जैसे कि आप समझ लो कि ब्लॉगिंग करने के बाद एडिटिंग करने का थोड़ा सा दिल नहीं करता है कभी कभी, मैं ये वाला गाना अपने मन में गुनगुनाती रहती हूँ। तो मन से लेके जुबान पर कब आ जाता है मुझे खुद पता नहीं है, इतना अच्छा लगता है मुझे। खा रही है लकड़ी, खा रही है कि पता नहीं तोड़ रही है, क्या कर रही है समझ ही नहीं आ रहा है। इतनी सी में इतनी दम है कि लकड़ियों को तोड़ दे। अरे दम बाहर में जाए, लेकिन आवाज भी तो कितनी तेज आ रही है। फिलहाल हम ऊपर इसीलिए आए हैं, किसीलिए आए हैं खुशी? फूल तोड़ने के लिए। 7 करोड़ क्यों? रिप्लाई करने के लिए। सही तो बोला, मैंने फूल तोड़ने ही तो आया। गाइस फाइनली फूल लग गए हैं हमारी बगिया में, कनेर के भी लगे हैं। कनेर के सबसे ज्यादा लगे हैं, वो है 12 मासी कनेर, तो वो है वो जो पीले पीले फूल लग रहे हैं। दीदी ये वाला ले ले यार, ये मतलब अभी सही से खिला नहीं है, बस बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये तो छोटू सा है, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने कागज का बनाया है। यही सही रहेगा अपनी माला के लिए। अबे क्या क्या चुबा लिया अब तूने? कांटा से किसी में निकलता है यार, छोड़ ना, रहने दे मैं तोड़ नहीं, नहीं तो फिर तेरे नहीं छुपेगा। दीदी ये लिमिट वाली तोड़ी हो, रोज चलने चाहिए ना वो वाले, नहीं तोड़ दे। नहीं तो ये पूरे भी नहीं तोड़ी हो। 8 फूल तोड़ ले, 4 एक तरफ आ जाएंगे और 4 दूसरी तरफ आ जाएंगे और 1 चढ़ाने के काम आ जाएगा, है ना? रियाज तू थोड़ी सी तैयार हुई है ना, आईलाइनर लगाया तूने। छोटी सी बगिया से थोड़े से फूल। तो गाइस फिलहाल अभी हम साड़ी दिख रहे हैं बैकग्राउंड सजाने के लिए, येलो कलर देखते हैं जो पसंद आएगा। गाइस इस बार हमने सोचा है कि हम ट्राई करेंगे समथिंग न्यू करने, जैसा कि हर बार करते हैं। हाँ तो इस बार सोचा क्यों बोले, ये बोल कि हर बार की तरह हम सेम इस बार भी करेंगे। मम्मी तो आज थक पैदल चल के गए, पैदल चल के आए, दूसरे दम का गर्मी को होते। मम्मी की शक्ल पहले कैसी थी और अब कैसी हो गए? हम लोग डेकोरेशन कर रहे थे ना इसीलिए हम नहीं गए। खुशी मम्मी को सेफ्टी से ले जा रही है जिससे ये मम्मी को देखने को ना मिले। हाँ इकट्ठा देखेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा ना। उधर की साइड मुंह खुशी, उधर की साइड मुंह। अरे सबसे मेन चीज ही बंद कर ली तो मुंह का क्या करना है। सेफ्टी फर्स्ट गाइस, ये करें चारों तरफ कर देते हैं इसे। हाँ इसमें वो झल्लर जो बची थी ना वो गुड़ुमुड़ हो रही थी तो वो ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने वापस से चेंज करने की सोचा है। ऐसी चेंज करने की सोचते रहे तो फिर टाइम कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। या फिर उसी नीचे से निकालने की मतलब ऊपर करते हैं। साल में 50 टेप तो लग जाते होंगे ना घर में आराम से। देखो वाला फूल थोड़ा सा इस तरफ करना। कैसा लग रहा है खुशी? मस्त लग रहा है सच में। क्या खुशबू आ रही है यार मम्मी। मन में लड्डू फूटा, कैडबरी डेयरी मिल्क। थोड़ा सा ही करो मैंने, ठीक है? जब कला जब कला। मम्मी तुम्हें कमरे में कुछ चेंज नहीं दिख रहा है? कमरे में कुछ भी चेंज हां दिख रहा है ना जब बकास। इसके अलावा भी कुछ सामने देखो, सामने सामने ऊपर ऊपर। अरे कमरे में थोड़ा ज्यादा उजाला नहीं दिख रहा है? अच्छा बालू अच्छा है तो चलो स्थापित कर ले। नहीं नहीं अभी तैयार तो हो जा तू। अरे हाँ कुर्ता यार इंतजार कर रहा है कुछ। दीदी अगर वो मेरा ढीला आया तो नहीं पहनूंगी फिर मैं। देखते हैं वो कैसे ढीला आता है, मेरे पास जुगाड़ है ना। मैं चूड़ी नहीं लगाऊंगी, तो मेरे हर चीज में चूड़ी, जिस चीज में ढीली होती हूँ उस चीज में चूड़ी। एक्चुअली गाइस मैं इसमें इतनी सुंदर लग रही हूँ कि भगवान भी बोल रहे हैं चेंज, इसको जरूरत है चेंज करने की। रंगोली फूल बना देंगे छोटा सा, सतिया बना दिए रोटी का चौक में अगल बगल के बीच में फूल बना देंगे अगल बगल सतिया। अपना काम खत्म होते ही मम्मी का काम शुरू हो जाता है, अपन पहले कर लेते हैं, मम्मी लेट रहती हैं। पर उसी बहुत अच्छा लग रहा है, जरा सीधी हो। सच्ची में अच्छा नहीं लग रहा दीदी, झंगर झूला सा लग रहा है, लग रहा है बावा है। 1 मिनट रुक जा, 5 मिनट्स तो मुझे गाइस खुशी को मैं सुंदर बना दूंगी, देखते हैं कैसा लगता है। हाँ ओनली 5 मिनट्स दे दे मुझे। आई नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। खुशी नीचे कर। 15 मिनट्स लेटर। मैं सुंदर में तो बोर क्या रही है, मैं वो सारी कपड़े अच्छे लगते हैं, बस थोड़ा फिटिंग का इशू है। गाइस फिटिंग इसकी कम लग रही है, बाकी तू बहुत सुंदर लग रही है खुशी, कसम से इयर रिंग और डाल ले। मैं मेरे कान दर्द हो रहा है अभी तक, इसीलिए मेरे को इयर रिंग डालना पसंद है, मेरे को कान दर्द होता है। बस खुशी एक बात बता, अगर भैया की शादी में तेरे कान दुखे फिर तू क्या करेगी? मैं नहीं डालूंगी, इयर रिंग से ही शोभा होती है क्या? ऑब्वियसली कान क्यों छुदवाए फिर? सोने की बालियां डालूंगी। ब्लॉग बन रहा था इतनी देर से। दीदी जो तुम बेइज्जती कर दी मेरी। गाइस ये नॉर्मल जब लाफिंग करती है तो ऐसे ही करती है। ऐसे थोड़ी ना सकते, थोड़ा नॉर्मल अच्छे फोटो है इसलिए ऐसी। गाइस आप लोगों की बताओ मैं सुंदर नहीं लग रही? और नहीं लग रही तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो ना। नहीं
वेस्टर्न लुक भी काफी अच्छा होता है जींस टॉप। वेस्टर्न लुक है वैसे मेरा, वेस्टर्न नहीं है तो ये घर का लुक है। घर का नहीं है गाइस, मैं ये वाला टॉप कब कब पहनती हूँ। जो मेरा कुर्ता आने वाला है ना उसे मैं दो तीन दिन पोस्टपोन्ड कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, और ताकि वो जब विसर्जन हो तभी आए, और तेरे लिए एक और मंगा देती हूँ। अभी विसर्जन के लिए? ओके फाइन, पक्का ना पहनेगी? ऑफ कोर्स, तभी मंगाऊंगी। 15 दिन बाद तो मैं स्लिम एंड ड्रिम हो जाऊंगी। वैसे विसर्जन है कितनी तारीख का? उसी आई, एक फोटो खींचते जल्दी। आ कितनी तारीख का है वैसे? 11 तारीख का, 17 सॉरी 17 नहीं 18 का है। मामी हमारे लिए वेट कर लेती थोड़ा सा, बाहर बना दो, बाहर की मजा। बहन बैठ के रही है, मोदक बना। गाइस इतना पसारा सिर्फ मोदक की मशीन को ढूंढने के लिए है। ये क्या तोड़ दिया? अच्छा खोला है। दीदी ये कॉफी याद है? हाँ बिल्कुल याद है, जब तक ये कॉफी हमने गाइस जब तक पी थी, जब तक हमको इस कॉफी की वजह से चक्कर नहीं आने लगे थे। हाँ ज्यादा कॉफी पीते तो रात में नींद नहीं आती थी, और उस वजह से चक्कर आते थे। मैं तो इसे कोचिंग पे भी ले जाती थी भर भर के, मस्त भैया क्या कॉफी बनाता है यार, आई मिस्ड इट। ओ ओ सीरियसली मैं बनाती अच्छी तू कॉफी के नाम पे है? यस आवर लेटर। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे साक्षी लाइफ में इतना ज़्यादा क्यों हड़बड़ा रही थी, डर रही थी, कप कप आ रही थी, और उस चक्कर में मेरी शक्ल देखो आप, इतना ज़्यादा डर दिख रहा, हाँ डर दिख रहा होगा मेरे फेस पे। वो इसीलिए गाइस क्योंकि मैं लाइफ में आती हूँ, बहुत लोग मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन आज क्या हुआ कि ना मैं आपके सबके कमेंट पढ़ पा रही थी, खुशी ने कैमरा पकड़ा हुआ था, उसके बाद मैं क्या बोलूं बोल के सब कुछ बोल दिया। पहले तो पता है मैं भी कमेंट्स नहीं पढ़ रही थी, मैं सिर्फ नॉर्मली तेरे को देख रही थी कि तू सही आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ। फिर धीरे धीरे मैंने देखा, लोगों को देखा कितने आए, कमेंट्स को देखा, फिर मैं तेरे से भी बोल रही थी कि दीदी ये बता दे है ना। अच्छा हाँ। मैं बोला था दीदी हाय बोल दे, कहाँ पर रहते हैं अपन, ऐसा करके, क्योंकि मैं कमेंट नहीं देख पा रही थी ना, खुशी देख रही थी तो उसने बता दिया। तो थैंक यू सो मच गाइस, 447 व्यूज आए हैं उस पर, 477 क्या बोलती हूँ मैं, 400 477 भावनाओं को समझ जाओ मेरी और स्थापना को समझ जाओ मेरी। चलो ले चलो 12-15 हो गए, चले मम्मी चले, हाँ पता चले मुहूर्त ही निकल जाए। और गाइस आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं हो पाया लाइव में, बट खुशी ने बहुत बाद में देखना शुरू किया, क्योंकि वो मेरे को ही देख रही थी कि मैं परफेक्ट आ रही हूँ कैमरे में कि नहीं आ रही, तो उस टाइम पे नहीं दे पाई। लेकिन इसमें आप एक एक चीज का आंसर दूंगी, आप फटाफट से कमेंट करो, मैं आंसर दूंगी। तो गाइस फाइनली हमारे गणेश जी स्थापित होने वाले हैं, ज्वाला सी चलती है आंखों, ये डीजे बार बार चालू हो जाता है, पागल गाने से ही अपन को लगता है कि हाँ ये त्योहार है, ये त्योहार है, वरना ऐसे गुमसुम से अच्छे सुबह से सच में ही नहीं लग रहा था कि आज त्योहार है। सही है, पर कल रात को जो डीजे चल रहे थे ना बहुत तेज, उससे तो ऐसा लग रहा था जैसे मजा आ रहा है एकदम। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। सही कही थी ना दीदी? बिल्कुल सही। इससे पहले गाइस नहीं जली तो कुछ बोल रही कि रुक जाओ दीदी को शूट करने दो, तब जाके मैं जलूंगी। गणपति बाप्पा मोरिया आटा लड्डू जो, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। पैसे की कमी नहीं है, नॉर्मली गए ही नहीं हम, मैंने बोला भी था कुछ चीज को। अरे मम्मी रुको 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 रुको, क्या मूसक? क्या मूसक देना, मूसक की माला किधर है? अरे ये रही मूसक की माला, ये देख मैंने कितनी अच्छी बनाई, ये देख ऐसे करके ये दे। भाई मम्मी सुंदर यार, कितने सुंदर लग रहे हैं मम्मी, कितने सुंदर है यार, मूसक की माला सफेद है तो नीचे कद्दी घुसी ना, वो नीचे दिखी तो नहीं रहा था तभी तो मैंने ऊपर किया, और बिल्कुल एकदम परफेक्ट साइज की बात नहीं, बिल्कुल सही मम्मी, कितनी सुंदर लग रही है, शोभा बढ़ गई यार, बहुत सुंदर लग रहे हैं कसम से। अबे पागल, एक मोती मैंने निकाला, फिर कंपड़ा तो डाला, इतनी मेहनत करी, जब जाके फिक्स होनी है। अच्छा यार सच में कितनी क्यूट लग रही है, ऐसे कर लो। और पता है ये खुशी पटा रखने के बाद तो शोभा और बढ़ गई है, तुझे नहीं लगता? हाँ पर अपन को वो हटाना पड़ाना, कोई दिक्कत नहीं है, गलती करी मुझसे पूछ लेती, जब पन्नी जामे लगाई ना, नहीं पन्नी अगल बगल में जामे ही लगा दी थी। नहीं मम्मी पर शोभा इतनी सुंदर लग रही है ना, जितनी उसमें भी नहीं थी इतनी। अरे मम्मी फूलों की माला किधर है, वो तो फिर
बना दो। अभी अभी ज्योति पहले स्नान कराओ ना। ठीक है। अभी क्या किया था दीदी ने, पानी क्या डाला था? फिर वो तो अर्घ दिया था, वो पसीने में आए थे ना इसीलिए हाथ मुंह धुला दिए। अरे मम्मी यार दूर से डाल लो, उसी से बूंद भी नहीं आती, आधी बूंद आएगी। ले ऐसा नहीं है बेटा, श्रद्धा के ऊपर है, श्रद्धा पे सवाल नहीं उठाने का। ओके श्रद्धा कपूर स्त्री टू। जल्दी जल्दी बना, अपनी मांग भी सीधी भी निकाली वालों की। क्या ही कर रहा देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल। अरे वाह यार मम्मी देखना जरा कितनी सुंदर लग रहे हैं। चावल भी चढ़ा है, चावल भी लगा। मुझे लग रहा थोड़ा कीड़ा लगा है। नहीं तेरे मुंह पे ही लगाया है। चंदन में चिपका दे, गणेश जी महाराज पे मुंह सब पे लगा दे रोली। कसम से मतलब श्रृंगार करने के बाद तो अलग ही लुक आया है ना दीदी। बिल्कुल खतरनाक लग रहा है मम्मी। गाइस डेकोरेशन यार सफल हो गया, क्यों खुशी मम्मी? आप कैसे लग रहे हैं गणेश जी डेकोरेशन के साथ? मस्त मस्त। जय गणेश। खाने तो दो। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा गणेश जय गणेश। तेरा टेढ़ा लग गया। बस बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। मम्मी ने तिलक लगाया ना मेरे को, तो बिंदी भी चुभ गई उस तिलक की। चुभेंगी मैं, लेटूंगी कैसे इसको निकाल। देखने से कोई नई बात नहीं है, हमेशा ही होता है ये। मेरी तीन रबर चौड़ी करवा दी। तो गाइस गणेश जी की स्थापना हो गई है और बहुत सुंदर तरीके से हुई है, मतलब कि दिल छू गया, गणेश जी को नजर न लगे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल, जब तक बाय बाय। क्योंकि आप सबके लिए वीडियो भी एडिट करके डालनी है और मैं ट्राई करूँगी आज डल जाए या फिर कल डल जाए, लेकिन डलेगा आप उसको ढेर सारा प्यार देना। और गणेश जी कैसे लग रहे हैं और उनका डेकोरेशन कैसा है वो भी कमेंट में बताना। बाय।